हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है कि इस तरह का जो है चुनाव वाला पोस्टर जो है आप अपने मोबाइल से कैसे जो है एडिट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह का पोस्टर एडिट करना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में चलना है और कुछ एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, ठीक है, पिक्सल लैब करके आएगा तो इसको जो है ओपन यहाँ पे इंस्टॉल करके ओपन यहाँ पे कर लेना है। हम यहाँ पे जो है ओपन यहाँ पे कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है कि आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो फोर्थ वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली से जो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है कि ट्रांसपेरेंट पे जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना, ठीक है। ठीक करने यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है कि ये वाला टेक्स्ट जो है इसको डिलीट कर देना है। यहाँ से जो हम इसको डिलीट कर देते हैं, ये जो है डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है दिखाई दे रहा है तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है साफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा आपको जो है ये एरो बन के यहाँ पे आ जाएगा व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे जो है ये रेडियस जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे में, इसको जो है यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक। फुल करने के बाद जो है यहाँ पे डन कर देना है और इसका साइज बढ़ा के जो है यहाँ पे बड़ा कर लेना है, ठीक। साइज जब बड़ा कर लीजिएगा तो इसको जो है यहाँ पे इसका यहाँ पे स्ट्रोक यहाँ पे चालू करना पड़ेगा। तो इस साइड में करेंगे स्क्रॉल और यहाँ पे स्ट्रोक वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और यहाँ पे कलर ब्लैक ले लेना है, ठीक। इस तरह से यहाँ पे ले लेना है। अब यहाँ पे डन कर देंगे, ठीक। इस तरह का हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो यहाँ पे है साफ वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो है फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। फिर से यहाँ पे जो है रेडियस को यहाँ पे फुल कर देंगे, ठीक। फुल करने के बाद जो है यहाँ पे उस साइज का यहाँ पे ले लेना है जिस साइज का पहले हम बना के रखे हैं ये, तो ये जो है फुल साइज का यहाँ पे ले लेना है। इसका साइज जो है बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे डन कर देना है, ये जो है एडजस्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉप वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है क्रॉप इसको यहाँ से कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे डन, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इसको जो है यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने से क्या होगा कि ये जो है खिसकेगा नहीं, किधरों कीजिएगा तो ये खिसकेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस दोहराएंगे, फिर से ये लेंगे और यहाँ से कलर जो भी आपको रखना है तो यहाँ से कलर चूज कर लेना है और नीचे करके जो है ये रेडियस को फुल कर देना है और डन कर देना है और इसका साइज भी उसी तरह से यहाँ पे कर लेना है एडजस्ट, ठीक। तो हम यहाँ पे जो एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हम जो ये है कि यहाँ पे जो एडजस्ट कर लिए हैं नीचे वाले का। अब यहाँ पे फिर इस वाले पे आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी जो है लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद जो है क्या करना है कि यहाँ पे जो है टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे लिखने हैं जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पर जो हम टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे ओके कर देंगे और इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो साइज बड़ा कर लेना है और यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे इसी तरह से, तो यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है टेक्स्ट यहाँ पे फुल लिख लेना है जो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे लिख के डन कर देना है और यहाँ पे इसका साइज जो बड़ा कर लेना है। और यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जो आएगा जिसको स्क्रॉल करना है और यहाँ से जो है आप कलर भी चूज कर सकते हैं, जो भी आप कलर यहाँ पे रखना चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो स्ट्रोक वाले आइकन पे क्लिक करके जो है इसको इनेबल कीजिएगा तो यहाँ पे व्हाइट कलर लेने के बाद जो है किस तरह का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो है नीचे वाले का भी यहाँ पे कर लेना है, तो हम यहाँ पे जो है नीचे वाले का भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो है कि पूरा जो है टेक्स्ट यहाँ पे जो है लिख लिए हैं। और इसके बाद क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली से उस पर क्लिक करना और यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा तो साइड में जो यहाँ पे फॉन्ट वाला एबी फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिएगा तो फॉन्ट जो है बहुत सारा दिया हुआ है, जो भी यहाँ पे आप रखना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे रख लेना है। हम यहाँ पे माय फॉन्ट पे क्लिक करके जो ये भी यहाँ से चूज कर सकते हैं, जो भी रखने का मन है तो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से जो है यहाँ पे जो है फॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है प्रत्याशी का जो है यहाँ पे पीएनजी वाला फोटो जो है यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके जो है गैलरी में देना है और यहाँ पे जो भी है गैलरी में अपना प्रत्याशी का पीएनजी वो जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
तो इस तरह से यहाँ पे जो कर लेना, अगर आप समझ गए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आगे भी आपको इस तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, वंदे मातरम।